शमीम भाई, इस आंदोलन को तकरीबन 32 घंटे हो गए हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि आप सबके आंदोलन को जो है पुलिस सीरियस नहीं ले रही है, क्या कहेंगे? अच्छा हुआ कि जो बात हमारे दिल की थी वो आप ही ने बोल दिया आरिफ भाई, कि हम लोग के इस अपहरण अनशन को लेकर के पुलिस सीरियस नहीं हो रही है। ऐसा क्यों, ऐसी क्या मजबूरी है पुलिस की? मैं बोलता हूँ कि एक न्याय के लिए शिवा जट्टा भीख मांग रहा है, उसे भीख नहीं दी जा रही है। आज ये लोग बैठ करके हमारे जितने भी लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई हमें न्याय दो, इंसाफ दो, पुलिस को इंसाफ देना चाहिए। आज अगर प्रवीण पवार को कुछ हो जाता है, ये देखिए बच्ची है 4 साल की, पिताजी के पास आके बैठी हुई है, बच्ची बोलती है कि अगर पिताजी आप भूखे प्यासे बैठे हो तो हमको भी पानी नहीं पीना है, हमको भी खाना नहीं खाना है। तो आप सोचिए इतना बड़ा जुल्म हुआ हो रहा है और उसके बाद भी इंसाफ में न्याय नहीं मिल रहा है, क्या ऐसी मजबूरी है पुलिस की? मैं जानना चाहता हूँ, जाइए पूछिए सीनियर साहब, आप भी आरिफ भाई साहब, क्या मजबूरी है तुम्हारी, क्या प्रॉब्लम है साहब? आज पुलिस को ऐसा कर रहे हैं के घर जाए, बारिश करना चाहिए हुआ रहता है। शमीम भाई, एट्रोसिटी एक्ट को लेकर 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट का जीआर आया था कि पहले इन्वेस्टिगेशन फिर गिरफ्तारी, तो कहीं पुलिस इसको ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी नहीं कर रही, क्या क्या हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं जैसा आप कह रहे हैं। पहले सबसे पहले जो एट्रोसिटी एक्ट का केस है उसके अंदर सबसे पहले आरोपी को अरेस्ट करने का होता है, तो जो है वो जहाँ तक हमें जानकारी है। मान लो इस आंदोलन को तकरीबन जो है 32 घंटे हो गए हैं, अगर पुलिस का रवैया इसी तरह से रहता है, आपकी मांग पूरी नहीं की गई, तो अगला कदम क्या होगा? जब तक के आरोपी को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक के आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो ये अंगड़ाई आगे बड़ी लड़ाई संघर्ष करना पड़ेगा, पुलिस के ऊपर प्रेशर है, दबाव है, दबाव में अगर पुलिस न्याय नहीं देगी तो हम नागरिक की बर्दाश्त। सानू भाई, रिदा रशीद को छठ पूजा के पहले मुमरा शहर में लगभग कोई नहीं जानता था, 2-4 लोगों के अलावा, मगर ये आंदोलन जो छिड़ा है और ये जो मामला उठ के सामने आया है, तो इसके बाद से वो ऐसा लग रहा है हीरोइन बन गई मुमरा की, क्या कहेंगे? हीरोइन उससे मतलब नहीं है। हाँ, न्याय अपना काम करे, जिसे हीरो बनना वो हीरो बन जाए और जिसे हीरोइन बनना वो हीरोइन बन जाए, हमारा उससे कोई मतलब नहीं, न्याय अपना काम करे। ये लड़ाई किसी को हीरो बनने और हीरोइन बनने की वजह से नहीं, न्याय अमीर हो गरीब हो, ताकतवर हो कमजोर हो, न्याय के लिए सब बराबर है, ये न्याय की लड़ाई। तो मैं तो मंडल में अंदर बैठे हुए हैं, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, प्रवीण पवार को इंसाफ मिलेगा। जब तक प्रवीण पवार को इंसाफ नहीं मिलता, शिवा जगताप की लड़ाई खत्म नहीं होती है। जब तक शिवा जगताप को इंसाफ नहीं मिलता है, प्रवीण पवार की लड़ाई खत्म नहीं होती है। एक प्रवीण पवार हाथ में जाएगा, दूसरा प्रवीण पवार खड़ा हुआ है, दूसरा प्रवीण पवार को एंट्री किया जाएगा, तीसरा प्रवीण पवार खड़ा है। वोट नहीं सकते आप जब तक की आपकी, जब तक आपका चूल बंद नहीं होगा, जब तक ये साथी बंद नहीं होगी, जब तक की ये जो थोड़ा जगह जितेंद्र कुमार साहब की, ये जो दलित समाज के लोग बैठे हुए हैं, जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसा हमारा एक प्रवीण जाकर के एडमिट होगा, दूसरा प्रवीण आएगा, ऐसा आप सोचो मत कि हम लोग हार जाएंगे। हमारी लड़ाई जब तक चलेगी थोड़ा पाई, जब तक की आरोपी को अरेस्ट नहीं किया जाता है, जब तक की आरोपी को सड़कों के पीछे भेजा नहीं जाता है, जब तक शिवा जगताप को इंसाफ नहीं मिलता है, जब तक ये डॉक्टर जितेंद्र कुमार के सिपाही लड़ते रहेंगे, ऐसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जुर्म और जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हमें आदत हो गई खालिद मलिक साहब, हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ पुलिस स्टेशन के इंचार्ज साहब को, मेरी 2 टाइम बात हो चुकी है फोन पर आपसे, मैंने कहा आपसे कि सर प्रवीण पवार की हालत बहुत नाजुक है, हमने एम्बुलेंस बुला लिया है, कुछ ही वक्त के अंदर वो एम्बुलेंस आ रही है, कुछ ही वक्त के अंदर वो डॉक्टर्स आ रहे हैं। अगर प्रवीण पवार की हालत बिगड़ती है तो मैं बता दूं आपको कि इसका जिम्मेदार आप होंगे, आपका मुमरा पुलिस स्टेशन होगा, आपका डिपार्टमेंट होगा। उसके बाद ये मत कहना कि शहर का लेन आगे बिगड़ रहा है, हमारी पुलिस है, हमारी पुलिस अपने स्टाइल में काम करेगी। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपको आपकी स्टाइल चलाना आता है, उस तरीके से हमें भी हमारा स्टाइल हम लोग चलाना आता है।
से और सलीम खान साहब ने प्रधान कुमार डालने चलेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आपको इंसाफ देना पड़ेगा, वरना हम समझेंगे कि हमें शोषण काम नहीं करना चाहिए, हमें डॉक्टर जितेंद्र वर्ग के साथ रह करके राजनीति नहीं करना चाहिए, हम हमारे में क्यों समझेंगे संजय साहब, वरना हमें इंसाफ दो। परवीन पवार की अगर हालत बिगड़ती है फिर कहना चाहता हूँ, चिल्ला चिल्ला के कहना चाहता हूँ, आपकी पुलिस मेरी आवाज़ को।